पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव इफ्तखार अली के सौजन्य से उनके कार्यालय मैसर्स कोहिनूर क्राफ्ट्स स्थित कोहिनूर तिराहा संबल रोड मुरादाबाद पर जरूरतमंद लोगों को खाद सामग्री सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया, जिसमें मुरादाबाद के जयवीर यादव पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू समीर शर्मा जिलाध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा नसीम पाशा पार्षद भीमरी मोहम्मद शाकिर पार्षद पंडित नगला मोहम्मद जहीर पार्षद मैनाठे डॉक्टर नासिर पार्षद जाहिद नगर और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान राहुल गुप्ता मंडल प्रभारी और समाजवादी व्यापार सभा संजय अग्रवाल के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान हाजी इफ्तखार अली ने कहा कि हमारे नेता अखिलेश यादव द्वारा सभी की मदद करने का आह्वान किया गया, जिसमें उनके जन्मदिन को कुछ अनोखे तरीके से मनाने का संकल्प लिया गया, इसीलिए सभी की मदद करने का बीड़ा उठाया, क्योंकि अखिलेश यादव सभी की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए आज दूसरों की मदद करते हुए उनका ये जन्मदिन मनाया गया है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी का जन्मदिन है, उसको तमाम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी लोग साथी हमारे हैं, जो सब लोग सम्मिलित हैं, और आज कुछ राशन का वितरण किया गया है, सैनिटाइज और मास्क वगैरह का वितरण करके ये हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन को मना रहे हैं। मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े और पूर्व प्रमुख से आने वाले 2022 के इलेक्शन में अखिलेश जी को पूर्व प्रमुख से मुख्यमंत्री बनाएं। देखिए, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। सुबह से ही जनपद मुरादाबाद के अंदर जिला और महानगर के नेतृत्व में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, विभिन्न जगह कार्यक्रम किए गए हैं। अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रक्त शिविर लगाया था, उससे पहले हमने जिला अस्पताल में फल वितरण करे थे। अब यहाँ पर हमारे व्यापार सभा के हाजी इफ्तिकार साहब हैं, जो प्रदेश सचिव हैं व्यापार सभा के, इनके नेतृत्व में यहाँ पर राशन की किट, सैनिटाइजर की किट और ये मास्क वितरण किया गया। तो हम सब समाजवादी पार्टी के लोगों का प्रयास है कि जो अभी इसी क्रम में हम कुष्ठ आश्रम और उसमें गए थे, वहाँ पर भोजन वितरण करके आए, तो सभी समाजवादी पार्टी सुबह से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और उनके जन्मदिन को बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और शाम को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 6 बजे केक काटा जाएगा और इस समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर लीडर, और हम जितने भी हमारी स्तर से गरीबों की मदद हो सके हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने की इस अवसर पर कामना करते हैं। 2022 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्म हो तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हम बनाएं। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन बहुत सादगी के साथ और गरीबों में राशन वितरण व गरीबों में पका हुआ भोजन का वितरण किया गया है, ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश थे कि आप अपनी हैसियत के हिसाब से गरीबों की मदद कीजिए, और वहीं दूसरी तरफ आपने दूसरे पार्टी के नेताओं का भी, राष्ट्रीय अध्यक्षों का भी जन्मदिन देखा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि हमें आइए और तोहफा दीजिए, जिसमें उन्हें सोने के ताज भी दिए जाते हैं, मोटे मोटे नोटों की फूलों की मालाएँ भी दी जाती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा आप जनता की मदद कीजिए। क्या संदेश देने का प्रयास किया है, इस तरह के कार्यक्रम हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हमारी यहाँ सरकार नहीं है तो हम जो लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। आप हमारी सरकार बनवाइए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाइए, ये इंशाल्लाह रोज़गार बढ़ेगा, बेरोज़गारी दूर होगी, किसी को किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।